नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भोजपुरी के सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप YouTube पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी YouTube पर नहीं मिल रही है तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों, आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों, इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों, इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों, इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है।
तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है,
यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए
एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधार प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप YouTube पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी YouTube पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे।
इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा
और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप YouTube पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी YouTube पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है।
दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्श्व और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है।
दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदिति मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था,
और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें,
इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों, आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों, इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों, इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों, इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों, मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों, यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों, इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों, आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो,
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप YouTube पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी YouTube पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों, आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों, इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों, इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों, इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों, मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा।
वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है।
दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदिति मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज़ करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था।
दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधार प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप YouTube पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी YouTube पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे।
दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटे के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदिति मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
दोस्तों, अगर आप YouTube पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी YouTube पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा। साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों, आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों, इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों, इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों, इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों, मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों, यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों, इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों, आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों, इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों, इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों, इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा,
निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदिति मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है,
और दोस्तों इस फिल्म में मार धाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्श्व और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदिति मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग
और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों, आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधार प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों, इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों, इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों, मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों, यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है, आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको
खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा। साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों, आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों, इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों, इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों, इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों, मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों, यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों, इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों, आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप YouTube पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी YouTube पर नहीं मिल रही है तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों, आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों, इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों, इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों, इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है।
तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है,
यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्श्व और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुलजंत सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए
एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधार प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप YouTube पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी YouTube पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे।
इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा। साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा
और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप YouTube पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी YouTube पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है।
दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्श्व और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है।
दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदिति मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फैन हैं और उनकी सुपरहिट फिल्म लाडो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा और निधि झा की सुपरहिट फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में थोड़ी देर तक, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाडो फिल्म कब और कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लाडो फिल्म सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर भोजपुरी की कोई भी नई नई रिलीज हुई फिल्म देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भोजपुरी की नई नई फिल्में सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर लाडो भोजपुरी मूवी सर्च कर रहे हो और आपको यह मूवी यूट्यूब पर नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाडो 2022 में आने वाली हॉरर रोमांटिक ड्रामा भोजपुरी फिल्म है। लाडो भोजपुरी फिल्म में आपको खतरनाक हॉरर स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अकेले में ही देखने की सोच रहे हो तो इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में इतने खतरनाक हॉरर सीन हैं जो आपकी धड़कनें जरूर से बढ़ा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको रोमांटिक सीन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, साथ ही डर के साथ साथ आपको हंसाने के लिए आपको कॉमेडी भी देखने को कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन सुजीत वर्मा जी ने किया है, जिनका निर्देशन हमेशा से ही लाजवाब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को यश कुमार द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी मौका दिया है। लाडो का रोल यश कुमार की बेटी ही निभा रही हैं। दोस्तों इस फिल्म में यश और निधि झा के अलावा राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, यश कुमार मिश्रा बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और हर फिल्म में उन्हें सफलता भी भरपूर मिली है। यश कुमार की फिल्में हमेशा से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यश कुमार की एक्टिंग और यश कुमार की फिल्म की कहानी हमेशा से ही लाजवाब रहती है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार मिश्रा का अपना अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। अगर आप यश कुमार मिश्रा के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को यश कुमार के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, राघव नैयर की यह तीसरी भोजपुरी फिल्म है। राघव नैयर ने अभी तक केवल 3 फिल्मों में ही काम किया है, पर तीनों फिल्मों में इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों इस फिल्म की पहली झलक 12 मार्च को जारी किया गया था,
और दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को 21 मार्च को एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर को एक दिन में 1,81,000 लोगों ने देख लिया था और इस फिल्म के ट्रेलर को 5,400 लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। दोस्तों आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह फिल्म कितनी खतरनाक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में यश कुमार की बेटी उस बच्ची के किरदार में है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशक सुजीत वर्मा जी ने किया है और दोस्तों इस फिल्म में मारधाड़ प्रदीप खड़का जी द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में नृत्य प्रवीण सेलार जी ने और गीत आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी और शेखर मधुर जी ने दिया है। इस फिल्म के निर्माता के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत साजन मिश्रा जी और इस फिल्म के लेखक मनोज गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एक शानदार कहानी प्रस्तुत की है। दोस्तों इस फिल्म का छायांकन समीन पार्सव और संगीत राजा यादव द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस फिल्म का उत्पादन कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट है और संकलन गुरजंट सिंह द्वारा किया गया है। इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में कला अवधेश राय और पटकथा व संवाद मनोज गुप्ता जी का है। दोस्तों इस पूरी फिल्म को अपने देश भारत में ही शूट किया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को केवल भोजपुरी भाषा में ही बनाया गया है। इस फिल्म का आपको किसी और भाषा में कोई भी डब्ड वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में यश कुमार मिश्रा, निधि झा, राघव नैयर और बेबी आदित्य मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा राधे कुमार, विनोद मिश्रा, संजीव मिश्रा, प्रिया वर्मा, नौशाद शेख, बबली नायक, सीमा मोदी कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा जी की सुपरहिट हॉरर फिल्म लाडो कब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना रिलीज कर डायरेक्ट टीवी पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को लाडो भोजपुरी फिल्म आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों लाडो भोजपुरी फिल्म को डायरेक्ट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से टीवी पर चलाया जाएगा। दोस्तों मीडिया के अनुसार लाडो भोजपुरी फिल्म को 28 मई को टीवी पर चलाया जाएगा, वो भी सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी दोस्तों यह फिल्म बहुत ही अच्छी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह फिल्म समाज के लिए एक मैसेज भी देती है, इसलिए आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्राइम को दिखाया गया है, जो कि समाज में एक अलग संदेश पहुंचाता है, इसलिए दोस्तों आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुपरस्टार यश कुमार मिश्रा के फ़ैन हैं